ये जो ओवरब्रिज फुट ओवरब्रिज का हादसा हुआ है, इसमें स्ट्रक्चरल ऑडिटर और ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई होगी। दो इंजीनियरों का निलंबन होगा, उनके निलंबन करने से के जो 6 लोगों की मौत हो गई वो वापस आ जाएंगे। इसका तो ऑडिट हो चुका था श्रीमान, फिर किसी नेता ने कहा है कि श्वेत पत्र जारी कीजिए, बहुत अच्छी योजना है ये। और जो 1.25 लाख करोड़ रुपए खर्च करने हैं बुलेट ट्रेन पर, उससे पहले मुंबई की रेल सुविधाओं को और देश की रेल सुविधाओं को सुधारा जाए। एक नागरिक होने के नाते मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि आपके पास इतने ज़्यादा फुट ओवर ब्रिज मौजूद हैं, 115, जिनमें से 29 रोड ओवर ब्रिज हैं, 8 फुट ओवर ब्रिज हैं, 5 रोड ओवर ब्रिज की होनी है मरम्मत और 8 हैं खतरनाक। आप हम न्यूज़ में पढ़ते हैं कि उन पर कार्रवाई शुरू हो गई है, लेकिन कब? लोगों के मर जाने के बाद? हम परंपरावादी हैं, जब गुलाम थे तो आज़ाद होने में सेंचुरीज लगा दी। अब इस तरह की समस्याएं जब हम पिटते हैं उसके बाद कहते हैं कि अब हम इसका ध्यान रखेंगे, जब हमारे ऊपर आतंकवादी हमले होते हैं, जब फौजियों की गर्दनें काट ली जाती हैं, जब 44 लोग शहीद हो जाते हैं CRPF के, तब हम कुछ आगे फैसला करते हैं। जब तक हमें मारोगे नहीं ना, तब तक हमारे अंदर आग नहीं पैदा होती, चाहे वो हिंदुस्तानी लोग हों और चाहे वो हिंदुस्तानी राजनीतिक सिस्टम हो। ये जो लोग हैं, AR पाटिल जिनका निलंबन हो गया और काकुल्टे जिनका निलंबन हो गया और जो कुछ रिटायर कर दिए गए और जो यहाँ के ठेकेदार थे, उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे आप महीनों नहीं सालों लगा देंगे? अरे भाई, जब ये जो ब्रिज गिरा इससे जो लोग मर गए, इन लोगों को मारो? मुश्किल है ना। तो कभी भी आप समस्याओं को हिंदुस्तान में सुधार नहीं सकेंगे, छोटी सी छोटी चीजों को नहीं सुधार सकते। रोड पर ट्रैफिक रूल्स का पालन आप नहीं करवा सकते, बस की बात नहीं है। लोगों को जोड़ो। जब भी आप जितने भी ब्रिजेस हैं, ये 115 ब्रिजेस, इनका आप एक बार फिर से ऑडिट करेंगे तो उसमें हम जैसे लोगों को जोड़िए, समाज के जो NGOs हैं, जो ट्रस्ट्स हैं, और इसके अलावा स्पेशलिस्ट को जोड़िए। हमें क्या भरोसा आपके लोग जब ऑडिट करते हैं और फिर उसके बाद भी ब्रिज गिरता है? हाँ, आम लोग क्या कर रहे हैं? अरे लिखो गवर्नमेंट्स को कि ये जो लोग, निलंबन करने से कुछ नहीं होगा, इनकी सजा क्या होनी चाहिए, उम्र कैद से भी नहीं मानेंगे हम। जो 6 लोग मर गए उनका क्या, उससे पहले जो लोग मर गए उनका क्या? जागो।